जय हिंद साथियों, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में 2022 का 15 अगस्त स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है कि हम सभी 130 करोड़ जनसंख्या में निवास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर सभी घरों में, सभी दफ्तरों में, सभी विद्यालयों में, साथ ही साथ सभी गाड़ियों में, उन सभी जगह हम तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और यह देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण देखने से भी नहीं मिलेगा। एक बार हमारे राष्ट्राध्यक्ष के आह्वान पर हमारे देश के सभी भारतीय अपने घर पर जात, धर्म, मजहब, बोली, भाषा, रंग रूप आदि से इतर हटकर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। यह हमें भारतीय होने का सबसे बड़ा एहसास करा रहा है और आज हमें खुद से भी खुद के लिए एक गर्वान्वित पल महसूस हो रहा है। आज लग रहा है कि वास्तव में हम इस बदलते परिदृश्य में भारत के विश्व गुरु बनने के चरण में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस राष्ट्रध्वज के साथ साथ, इस तिरंगा के साथ साथ अब हम सभी को अपने घर परिवार को हर घर रोजगार से भी जोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम एक और स्वर्णिम मुकाम तक ले जा सकते हैं जब प्रत्येक घर में एक रोजगार, एक से अधिक रोजगार का बिगुल बजेगा। अगर यह सिलसिला, यह काफिला रोजगार के साथ मिलकर कदम से कदम चलता रहेगा, यकीनन हम सब वास्तव में राष्ट्रगुरु बनने के सबसे करीब और नजदीक पहुंचेंगे। हम बेशक अब्राहम लिंकन के लोकतंत्र की परिभाषा पढ़े या दुनिया में ढेर सारे परिभाषाओं को पढ़े, लेकिन उन परिभाषाओं को जब हम जमीन पर देखते हैं तो आज यह लोकतंत्र का वह कड़वा सच हमारे सामने आता है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष अर्थात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के एक आह्वान पर हम सभी भारतवासी अपने घर, अपने परिसर, अपने आवास, अपने सभी जगह जहां हमें लगता है जरूरत हमारे राष्ट्रध्वज को फहराने की, हम एक साथ फहरा रहे हैं। तो आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा और इस पल को स्वर्णिम बनाइएगा ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले इतिहास में इसे भी जब पढ़ा जाए तो याद किया जाए कि भारत में एक सूत्र, एक देश, एक राष्ट्र में हम सभी एक साथ कैसे पिरोए थे। याद करिए वो दिन जिस दिन भारत आजाद हुआ होगा। हम सभी लोग जाति, धर्म, मजहब, रंग रूप, जन्म स्थान आदि से ऊपर उठकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल ही नहीं बजाए बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घर परिवार के आंगन को उजाड़ कर आज हमें वह स्वतंत्रता मिली है जहां हम गर्व से अपने घर में रहते हैं और पूरी दुनिया को कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इसकी आधारशिला कितनों के कोख, कितने को सिंदूर उजाड़ कर तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। इसलिए यह आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव है ये हम सभी के लिए खास है। वे बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो उस आज़ादी के 15 अगस्त के साक्ष रहे होंगे लेकिन आज शायद तो इस दुनिया में नहीं है। मैं दुर्गेश जायसवाल उनके सभी जो इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं, अपनी आहुति दिए हैं, अपने परिवार के चिराग होकर भी इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन सभी को हम तहे दिल से नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहां कहीं भी हो आज वो ये देखें कि हमारा देश 130 करोड़ जनसंख्या वाला सभी अपने घर, अपने परिवार के साथ इस 15 अगस्त को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा फहराना है, इस मुहिम को वास्तविक परिदृश्य में हमें देखने को मिलेगा। आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे इस मुहिम के साथ साथ आने वाले समय में, आने वाले गणतंत्र दिवस में हम सभी एक और मुहिम लेकर आए ताकि हर घर एक रोजगार हो और हर घर तिरंगा फहराइएगा, राष्ट्र को और मजबूत बनाइएगा और सशक्त बनाइएगा। इस सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आप सभी देशवासियों को, आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की, स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दिन
हम सभी को यादगार बनाना है, इस दिन को कुछ देश के लिए बड़ा और बेहतर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के रखिएगा। हर घर तिरंगा हम फहराएंगे, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर घर तिरंगा, हर छत तिरंगा, हम सभी मिलकर फहराएंगे।